हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो मैं हूं मेंडी और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस Hyundai Exter SX CNG जो हमारे सामने खड़ी है। सो सबसे पहले बात करते हैं इसके कीज की। तो इसमें आपको जो एक की है वो इलेक्ट्रिक मिलती है विथ लॉक एंड अनलॉक बटन एंड बूट अपन बटन। सो फ्लिप की मिलती है बिकॉज इसमें आपको कीलेस एंट्री नहीं है। सो इंजन ऑप्शन इसमें आपको एक ही मिलता है 1.2 लीटर बाई फ्यूल पेट्रोल प्लस CNG जो पावर प्रोड्यूस करता है 83 BHP एंड 130 न्यूटन मीटर टॉर्क विथ 5 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन। सो ओवरऑल अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में Hyundai बैजिंग मिलते हैं, एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर हियर, नंबर प्लेट प्लेसमेंट ओवर हियर, यहाँ पर DRS देखने को मिलते हैं, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स इसके अंदर है, हेलोजन प्रोजेक्ट हेडलाइट्स मिलते हैं विथ क्रोम सराउंड। बहुत ही प्रीमियम दिखता है फ्रंट प्रोफाइल से। और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश, कुछ ऐसे ग्रिल डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर टोइंग हुक प्लेसमेंट है, नंबर प्लेट प्लेसमेंट यहाँ पर है। सो इसमें आपको अगेन फ्रंट में ड्यूअल वाइपर्स देखने को मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको 175/65 टायर प्रोफाइल है और जो साइज़ है वो है R15। सो ये बेसिकली एलॉय व्हील्स नहीं है, दिस आर द रिम व्हील्स। इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये एलॉय व्हील्स लगे। सो यहाँ पर व्हील कैप लगे हुए हैं, मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन फ्रंट में है एंड टॉर्शन बीम सस्पेंशन रियर में है, डिस्क ब्रेक्स इन दी फ्रंट एंड ड्रम ब्रेक्स इन दी रियर। सो साइड प्रोफाइल में आपको कुछ ऐसी ब्लैक मैट क्लाइडिंग भी देखने को मिलती है जो स्पोर्टी लुक देती है गाड़ी के साइड प्रोफाइल को। सो ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं विथ टर्न इंडिकेटर जो आपको वेन्यू में मिलता है। सेम जो डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पर भी मिलती है। सो ऑल फोर डोर ओपनिंग हैंडल्स आर बॉडी कलर। की स्लॉट मिलता है बिकॉज इसमें आपको मैनुअल कीज मिलती है, जो आपको टॉप एंड वेरिएंट है उसमें भी आपको की स्लॉट मिलेगा बिकॉज जो इलेक्ट्रिक उसका रिमोट है उसमें आपको मेटल की भी मिलती है। सो जो बी पिलर है वो ब्लैक मैट फिनिश में है और जो सी पिलर है वो बॉडी कलर में देखने को मिलती है। इवन यहाँ पर भी कुछ ऐसे ब्लैक पियानो ब्लैक ग्लॉस डिज़ाइन देखने को मिलती है। जो रियर टायर प्रोफाइल है वो भी सेम है, ओनली यहाँ पर आपको टॉर्शन बीम सस्पेंशन स्वीति ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। जो रियर प्रोफाइल है गाड़ी की वो आपको बहुत ही मतलब इंप्रेस करने वाली है बिकॉज यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है, हाई माउंट टेल लाइट ओवर हियर, डीफॉगर ओवर हियर, ओनली यहाँ पर मिसिंग है वो रियर वाइपर है, Hyundai बैजिंग, नंबर प्लेट प्लेसमेंट, एक्स्टर रिटर्न ओवर हियर एंड SX रिटर्न ओवर हियर। सो टेल लाइट असेंबली LED प्लस हैलोजन में मिलते हैं, यहाँ पर DRS मिलते हैं LED में और इसकी जो ब्रेक लाइट्स है वो हैलोजन में है, जो टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट है वो भी आपको हैलोजन में देखने को मिलती है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स है एंड पार्किंग सेंसर्स विथ ही पार्किंग कैमरा ओवर हियर। सो बूट स्पेस एक बार देखते हैं, इसमें आपको बूट स्पेस मिलती ही नहीं बिकॉज इसमें आपको 8 kg की CNG टैंक मिलती है। सो यहाँ पर जो बूट स्पेस है वो बहुत ही कम है, हालांकि है ही नहीं। सो हैंगिंग पार्सल ट्रे नहीं है बट नॉर्मल पार्सल ट्रे इसमें आपको मिलती है जो बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो अपोजिट वे में लाइक डिज़ाइन की गई है। इसमें आपको एक्चुअली बहुत सी गाड़ियों में जो फ्रंट हेडरेस्ट है ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट की वो एडजस्टेबल मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको रियर जो सीट है उसमें जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिलते हैं और जो फ्रंट हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड मिलते हैं। सो क्लोज करते हैं बूट को और सेकेंड रो सीटिंग की बात करते हैं कि आपको सेकेंड रो में कितनी स्पेस मिलती है। सो सबसे पहले जो सेकेंड रो डोर इंटीरियर है उसमें आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक फिनिश देखने को मिलता है। यहाँ पर डोर ओपनिंग हैंडल ग्रे मैट कलर में मिलता है, पावर एंड अप डाउन बटन, ग्रैब हैंडल, डोर पॉकेट्स यहाँ पर है, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर, फिटर्स आपको फ्रंट डोर्स में मिलेंगे जो आपको रियर डोर्स में नहीं मिलते हैं। स्कूप्ड आउट सीट्स मिलती है जो आपको लेग रूम जो नी रूम है वो बहुत ही सफिशिएंट बनाती है, बहुत ही इंक्रीज करती है। जो इसका अंडर थाई सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा है, लाइक यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ तक इसका अंडर थाई सपोर्ट आ रहा है, बहुत ही कम्फर्टेबल है। इवन आपको SX में रियर AC वेंट्स मिलते हैं और यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट मिलता है जिसके लिए आपको एडाप्टर लगने वाला है, चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है डायरेक्टली USB या C टाइप। सो यहाँ पे जो AC फ्लो है वो भी मॉनिटर कर सकते हैं। आइसोफिक चाइल्ड सेफ्टी एंकर पॉइंट्स मिलते हैं रियर सीट्स में और यहाँ पर सीट बेल्ट मिलता है सेंटर पैसेंजर के लिए, सेफ्टी ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं विथ हुक एंड रियर पैसेंजर इल्यूमिनेशन ओवर हियर। सो फ्रंट कंसोल जो है वो भी आपको SX में बहुत ही प्रीमियम मिलता है। यहाँ पर फिजिकल हैंड ब्रेक है, डिटेल में बात करेंगे ड्राइवर सीट पे बैठ के। ओनली यहाँ पर आपको जो मिसिंग है वो एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, वो आपको टॉप वेरिएंट्स में भी नहीं मिलते हैं। सो ड्राइवर सीट पे बैठते हैं और बाकी जो आपको इसमें फीचर्स मिलते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलता है, चारों जो सीट्स है उसमें आपको फैब्रिक्स देखने को मिलते हैं, मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट, यहाँ पर ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, डोर लॉक अनलॉक बटन है, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी कर सकते हैं, डोर पॉकेट्स है, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर, फ्यूल लिड ओपनर लीवर यहाँ पर है, फ्रंट बोनट ओपनर लीवर जो है वो यहाँ पर प्लेस्ड है कुछ ऐसे।
एक्सेलेटर, ब्रेक एंड क्लच, डेड पेडल है, प्रॉपर डेड पेडल है, यहाँ पर हेडलाइट लेवलर है, सेंज यू टू फ्यूल स्विच बटन यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है, ड्राइवर साइड एसी वेंट एंड डिफॉगर वेंट फॉर दिस ग्लास। सो गाड़ी में बैठते हैं, इसमें आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलता है विथ ही फुल डिजिटल मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ओवर हियर। सो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को आपको यहाँ से एक्सेस करने के लिए बटन्स भी दिए गए हैं। यहाँ पर जो है वो इन्फोटेनमेंट सिस्टम के लिए है, डिजिटल इन्फोटेनमेंट सिस्टम इसमें आपको मिलती है। विथ फिजिकल बटन्स, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड जीपीएस, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड वाईफाई, यहाँ पर सेंटर एसी वेंट्स है, यहाँ पर हैजार्ड लाइट बटन है, उसी के साथ साथ यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको देखने को मिलता है। ओनली आपको इसमें नहीं मिलता है वायरलेस चार्जर है, यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं यूएसबी सी टाइप एंड इवन आपको यहाँ पर एडाप्टर पॉइंट भी मिलता है, लेकिन जो यूएसबी पॉइंट है वो इन्फोटेनमेंट सिस्टम के लिए है। मैं गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, दोनों एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर इसके जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपका जो है वो ऑटो ऑन हो जाएगा, लाइक इसमें आपको कोई भी सेटिंग नहीं करनी है अगर आपने ऑटोमेटिक पे छोड़ रखा है तो। सो इसमें आपको यहाँ पर मेनू बटन मिलता है, तो यहाँ से आप फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया, जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। सो जो डैशबोर्ड डिज़ाइन है वो आपको वाइट एंड ब्लैक मैट कलर में देखने को मिलती है, यहाँ पर पूरी आपको जो डिज़ाइन है वो पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलती है। यहाँ पर है हेडलाइट्स कंट्रोल, यहाँ पर है वाइपर्स कंट्रोल, 5-speed मैनुअल गियर ट्रांसमिशन, स्टोरेज स्पेस ओवर हियर, यहाँ पर कुछ अच्छा सा एक सिल्वर मैट हेलमेट देखने को मिलता है, ड्यूअल कबर्डस यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर कुछ पेन स्टोरेज स्पेस मिलती है, फिजिकल हैंड ब्रेक, स्टोरेज स्पेस ओवर हियर, यहाँ पर इवन आपको ग्लो बॉक्स मिलता है जो नॉर्मल है, कोल्ड ग्लो बॉक्स नहीं है, एंड को ड्राइवर के लिए सनवाइजर विथ ही वैनिटी मिरर, यहाँ पर इल्यूमिनेशन मिलता है फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, माइक है, और यहाँ पर आपको IRVM जो मिलता है वो फुल्ली मैनुअल मिलता है, ड्राइवर के लिए सनवाइजर विथ ही टिकट होल्डर। सो जो प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का वो है इसका सनरूफ, SX में आपको सनरूफ मिलता है, जिसका सनब्लाइंड ओनली जो है वो मैनुअल है, बट इसका जो सनरूफ है वो इलेक्ट्रिक है, वन टच ओपन, वन टच क्लोज है लाइक दिस। सो इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं यूजिंग दिस बटन एंड वन टच क्लोज भी कर सकते हैं। इस पर आपको जो एक्सटर्नली प्रीमियम जो लुक देता है गाड़ी को टॉप से वो है इसके रूफ रेल्स, जो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलते हैं। सो बंद करते हैं सनरूफ को और अभी एंड करता है इस ब्लॉग को। फिलहाल आपके क्या व्यूज है इस एक्स्ट्रा CNG SX के बारे में, प्लीज़ नीचे कमेंट करना। अगर ब्लॉग पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज एक ऐसी गाड़ी जो तगड़ा कॉम्पिटिशन है टाटा पंच के लिए, बिकॉज इस गाड़ी में फीचर्स भर के दिए हैं। हालांकि इसमें आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, 6 airbags, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD रिवर्स पार्किंग कैमरा विथ सेंसर्स, हील होल्ड कंट्रोल भी इसमें आपको मिलता है। सो आपके क्या व्यूज है प्लीज़ नीचे कमेंट करना। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। सी इन दी नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। Bye.